डर नहीं रहे फिलहाल, अभी बाइक जो है हमारी वो रेडी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो खुशी हमसे संभाली नहीं जा रही, बस तो यही चक्कर और कोई बात। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਖਾਇਆ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਮੈਟੋ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਓਹੋ ਸਰ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਮੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 150 ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਸ। बंदा डर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे मेरी तरह। सो टुडे इज वेंसडे, सो आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ एक न्यू बाइक की डिलीवरी लेने, जो कि बिलोंग करती है मेरे फ्रेंड मनी को, जो आपने देखा ही होगा पहले और वीडियोस में, नैना देव वाले वीडियो में भी आया था और भी वीडियोस में आया मेरे साथ। तो जस्ट अभी मैं उसके पास पहुंच चुका हूं, उसको पिक करना है यहां से, फिर जाएंगे उसकी बाइक की डिलीवरी लेने। न्यू वो ले रहा है अपाचे 310R, जो न्यू मॉडल है। तो अभी चलते हैं उसके पास, वो अभी यहीं पे ही खड़ा है कहीं, देखते हैं कहाँ है वो। इसी चौक में कहा था उसने मैं खड़ा हूँ। कॉल करते हैं उसको पहले। ये आ गया बंदा, ध्यान से देख लो। हेलो, पार्टी लेने से आज? नई बाइक ले लो, जा रही है 310R। वही लेंगे। वही लेंगे। ये वो थोड़ा डिफरेंट मॉडल है, वो फैंटम ब्लैक स्लीपर क्लच वाला, वो स्लीपर क्लच उस पे। ओके, मतलब अब तुम हमारे ड्यूक की रेस करोगे? नहीं नहीं, वो बात नहीं। बैठो बैठो। सो अभी हम चल चुके हैं इसे बाइक लेने के लिए शोरूम की तरफ, और इसके फादर शायद वहाँ पहुँचे हैं ऑलरेडी। वो आई थिंक पेपर्स वगैरह रेडी करवा रहे होंगे इतने। ये अभी कॉलेज से आ रहा था तो इसने मुझे फ़ोन किया कि बाइक लेने जाना है, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं भाई। के पास एक्चुअली ये सारे शोरूम हैं, या KTM का हो गया है, TVS का हो गया है, जावा का हो गया, ये सब, या कावासाकी, ये सभी एक ही लाइन में है यहाँ लुधियाना में। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही आ जाएगा TVS का शोरूम, वो रहा सामने। और यहाँ हम लगाएंगे अपनी बाइक। और यहाँ बाइक लग चुकी है हमारी, सेफली पार्क हो चुकी है, और अभी निकलेंगे अंदर। Search, but you stay lost. We are, we are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are.
बड़े अच्छे लगे हैं आपको आई होप। तो अभी इसका पेपर वर्क हो रहा है सारा, इसके फादर पेपर वर्क करा रहे हैं, तो इतने हम बाइक चेकआउट कर रहे थे। तो उसके बाद चलेंगे टेस्ट राइड के लिए, और ये बंदा डर रहा है अभी टेस्ट राइड देने के लिए। अभी डर नहीं रहे फिलहाल, अभी बाइक जो है हमारी वो रेडी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो खुशी हमसे संभाली नहीं जा रही, बस यही चक्कर है और कोई बात। अच्छा जी, और अभी पेपर वर्क हो रहा है, तो थोड़ी देर में पेपर वर्क होने के बाद हम अपनी जो ड्यूटी है उसको कर ले जाएंगे। आज इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, आज हमारी टॉप स्पीड होगी नॉट मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू। ये बंदा बहुत डरता है भगाने से, जैसे हमें नैना देवी वाले ब्लॉग में देखा ही होगा ऐसे। वहाँ पर तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी टॉप स्पीड जो स्टार्टिंग से एंड तक रही है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू। आज मान गया, कल वहाँ मैं 80 कह रहा था। तो बाकी आगे दिखाएंगे आपको भी। तो ये बाइक रेडी हो चुकी है इसकी, ये रही इसकी बाइक, पूरी चमकाई हुई है पॉलिश करके। और हमारा मनी भाई है रहा, अब हो गई केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। कल्ला कल्ला ये खा रहे हैं, सानू मिले नहीं केक, कल्ले कल्ले खा गए। सानू फोटो वास्ते बना रखा रखाया है बस। हां सानू फोटो, सानू फोटो वास्ते लग गया। सही गल है, गलत बन गए आज। आज ज़ोमैटो वाले बन गए भाई, केक ले आओ मेरी बना। ओहो सर, कैसे, क्या हाल है जी? लेट हो गया। हां लेट हो गया सर। इधर आ जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ जी आओ। ओहो भाई की बाइक आ गई। चलो जी चलो। चलो जी, अब हमें मिल रही है गेड़ी इस पे। ठीक है ठीक है ठीक है, 100 तो ऊपर, 150 लगा के देखेंगे बस। ये बंदा डर रहा है। पिकअप इसकी अच्छी है, और अगर KTM से कंपेयर करूं फिर तो कम ही है, पर जो बाकी बाइक्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छी पिकअप है। सही है पिकअप बड़ी। अब इसने देख के मैं गालियाँ निकालनी, इतनी भगाई है, इधर सा बंदा वो कह रहा है ज़्यादा मत भगाइयो। वजिया हाँ,
सो अभी जा रहे हैं वापस, वो निकल गया अपने घर की तरफ और अब मैं जा रहा हूँ अपने वापस की तरफ। बाइक भी अच्छी है, पिकअप अच्छी है उसकी, मैंने टेस्ट राइड लेके देखी थी और कंफर्टेबल भी है। आगे वाले के कंफर्टेबल है, पीछे वाले के थोड़ा सा कंफर्टेबल बिकॉज सीट छोटी है उसकी, पर सही है बिकॉज अगर राइड पे जाते हैं तो ज़्यादातर सभी एक ही होती है बाइक पे, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी बाइक पे लॉन्ग राइड्स के लिए। बाकी करते हैं वीडियो को क्लोज। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें वीडियो पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको आगे के आने वाले वीडियोस पता लगती रहे, उनकी नोटिफिकेशन आती रहे, वो देखते रहें और एंजॉय करते रहें आप। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Wiggle, wiggle. Like.